पॉइंट साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, थर्ड पॉइंट साउंड नीड्स पार्टिकल मीडियम टू ट्रैवल, दैट इज साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, हेंस इट इज नोन एज मैकेनिकल वेव. फोर्थ पॉइंट स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मैक्सिमम एंड इन गैसेस इज मिनिमम. फिफ्थ पॉइंट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 330 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, देखो जो भी पॉइंट्स लिखाए हुए हैं, ठीक है, तो पॉइंट्स है याद रखने के लिए है ये सब, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे देता है, जो भी पॉइंट्स लिखा है बहुत कुछ आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता है. तो ध्यान दोगे, पहला पॉइंट जैसे लिखाए हुए हैं, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि साउंड बहुत ऐसे वर्क है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग का आएगा, तो डायरेक्टली हम लोग देखेंगे कि साउंड का यूज होता है कुछ वर्क को परफॉर्म करने के लिए. तो हम लोग बोल सकते हैं कि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है, जैसे अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है इनर ऑर्गेन का इमेज बनाने के लिए, ठीक है, तो इसलिए साउंड को एनर्जी का फॉर्म बोला जाता है. हम बोल रहे हैं, आप सुन पाते हो, उसी के अनुसार इनेक्ट करते हो, कुछ काम करते हो, तो इसलिए ये भी बोल सकते हैं कि साउंड एनर्जी का फॉर्म है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था. दूसरा, लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है. तो जब हम वेव के बारे में लास्ट क्लास में बता दिए हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है और ट्रांसवर्स वेव क्या है. क्या डिफाइन करना चाहोगे कोई, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव इज द वेव इन विच द पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एयर. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव, बिल्कुल सही. मतलब पार्टिकल्स किधर मूव करता है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा है उसी के पैरेलल. हम यदि बोल रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वाइब्रेशन के ही थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है. यहाँ पे एक वाइब्रेशन हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये वाइब्रेशन एयर में जाता है, एयर के भी पार्टिकल को मूव कराता है. किधर मूव कराया, पार्टिकल्स आगे की ओर बढ़ा फिर पीछे आया, इस तरह से. और साउंड वेव भी आगे की ओर बढ़ रहा है, आपकी ओर जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में साउंड जा रहा है उसी के पैरेलल पार्टिकल का मोशन है. तो इस तरह के वेव को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. याद करना, वाटर वेव का एग्जांपल लिए हुए थे, जहां तो देख रहे हैं तो वाटर वेव जो है वो प्रोपगेट करता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल्स अपने ही जगह पे रह के क्या करता है, अप एंड डाउन मोशन करता है. जब अप एंड डाउन मोशन हो रहा है, इसका मतलब वेव जिधर मूव कर रहा है उसी के परपेंडिकुलरली पार्टिकल मूव कर रहा है. तो इस तरह के वेव को बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, तो अब बहुत अच्छे से ये इस पॉइंट का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है. क्या कोई डाउट किने को तो बोलना, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है, आगे देखो, आगे ये लिखा है मैं, साउंड को प्रोपगेट करने के लिए पार्टिकल मीडियम चाहिए. आगे एक एक्सपेरिमेंट से भी हम इसको हम लोग समझेंगे, बेल जार एक्सपेरिमेंट एक हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, डोंट वरी, हम लोग आएंगे. तो बस ये पहले यहाँ पे तो बस इतना ही जान के आगे बढ़ जाते हैं कि साउंड जब भी प्रोपिगेट करेगा, सॉलिड के थ्रू प्रोपगेट कर सकता है, लिक्विड के थ्रू प्रोपगेट कर सकता है, गैसेस मीडियम में प्रोपगेट कर सकता है, लेकिन कुछ भी ना हो, वैक्यूम स्पेस में कुछ भी नहीं होता है, एयर नहीं होता है, तो क्या वहां पे साउंड प्रोपगेट करेगा? नो सर, आंसर है नहीं, नहीं करेगा. मून में यदि दो आदमी यदि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दो एस्ट्रोनॉट्स अपने कॉस्ट्यूम पहन के, यदि वो बोलता भी है, चीखता है, एक यदि कुछ आवाज निकाल रहा है, क्या सामने वाला सुन पाएगा? नो सर, नो, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है. तो साउंड को
ट्रेवल करने के लिए सॉलिड लिक्विड या गैसेस तीन तरह का मीडियम चाहिए होता है, वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं कर सकता है। इसीलिए ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, क्वेश्चन मिल जाएगा। इसीलिए साउंड को मैकेनिकल वेव बोलते हैं, साउंड एक मैकेनिकल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों है ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव। फिर मैकेनिकल वेव क्यों होगा, तो मैकेनिकल वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, सिर्फ पार्टिकल मीडियम में ही ट्रेवल, हाँ मेटेरियल मीडियम में ही ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। फिर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में जब प्रोपेगेट कर रहा है, मैक्सिमम इसका स्पीड किसमें होता है, सॉलिड, सॉलिड में, ठीक है, और मिनिमम होता है गैस में। फिर स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कोई भी गैस मतलब एयर में 330 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन देखो आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ जाता है, तो बुक में क्या होता है अलग अलग डाटा देखने को मिलता है, स्पीड ऑफ साउंड कहीं 330 मिलता है देखने को, कहीं 340, कहीं 345 ऐसा देखने को मिलता है, तो एयर में। तो इसीलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग बात करते हैं कि भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड यदि एयर टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उस समय साउंड का स्पीड क्या होगा, 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये है, क्लियर है यहां तक? यस सर। यही सारे पॉइंट्स हम स्लाइड में लिखवाए थे, समझ में आ गया होगा सारा पॉइंट, है ना? यस सर। ठीक, चलो अब आगे एक क्वेश्चन समझते हैं। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन का आंसर हम समझा रहे हैं। पहला, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, एक क्वेश्चन ये दे देता है। एक दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज साउंड प्रोपगेट इन अ मीडियम, एक्सप्लेन विथ सम एग्जांपल, ठीक है। तो साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, पहला वाइब्रेशन, प्रोपगेट कैसे करता है, ठीक है। तो देखो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, एक लाइन में हम लोग बोलेंगे साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, मतलब जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा कंफर्म्ड है वहां पे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर ही रहा है, बिना पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क, देखते होंगे चिमटा जैसा होता है, ठीक है। जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क के किसी एक आर्म को जैसे ही डिस्टर्ब करते हैं, आप देख सकते हो दिखेगा कि भाई वो झनझना रहा है, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, दिखता है, और वह वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एक वहां से जो झनझनाहट का आवाज आता है तो आप बोल सकते हो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे ही आप ट्यूनिंग फॉर्क के आर्म को पकड़ लेते हो, वाइब्रेशन रुक जाता है, साउंड भी रुक जाता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, और यही एग्जांपल देना बेहतर है कि वाइब्रेशन के थ्रू क्या है, साउंड प्रोड्यूस होता है। बाकी दूसरा एग्जांपल ये भी दे सकते हो कि कोई एक टेबल के टॉप को क्या करते हैं, एक स्टिक से बीट करते हैं, ठीक है। थर्मोकोल का टुकड़ा वगैरह यदि रख दें तो आप फिर देखोगे कि भाई थर्मोकोल का टुकड़ा क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बीट कर रहे हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, और वाइब्रेशन के क्रिएट होने से ही क्या है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन लिख लोगे खुद से? यस सर। तो एक क्वेश्चन ये जरूर लिखोगे, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी होगा, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड,
एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो ये लिख लोगे। ट्यूनिंग पर का ही एग्जांपल देना, ये थोड़ा आसान होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डज साउंड प्रोपेगेट, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझो, बाकी वन मार्क्स के लिए देगा तो एक लाइन दो लाइन में भी लिख के शॉर्टकट में पढ़ सकते हो, लेकिन अभी जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डिटेल में समझते हैं कि साउंड प्रोपेगेट कैसे करता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनोगे जो अभी हम बता रहे हैं। देखो होता क्या है, और एक एग्जांपल से ही समझते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन एग्जांपल से ही दिया जा सकता है। और यहां पे एग्जांपल लेते हैं स्कूल बेल का, स्कूल बेल इलेक्ट्रिक बेल नहीं, स्कूल में हो सकता है आप लोग के स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल होगा तो इग्नोर, वो नहीं, वो घंटा या घंटी जो भी बोलते हैं, एक आयरन का बना हुआ जो सर्कुलर सीट होता है मोटा सा, सर गोंग एंड हैमर, और उसी में हैमर, वो स्कूल बेल का बात कर रहे हैं। तो देखो सपोज होता क्या है, मान लो कि ये स्कूल बेल है, ये हैमर है, जैसे ही हम क्या करते हैं हैमर से स्कूल बेल को बीट करते हैं, पीटते हैं, जितना भी पार्टिकल्स इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आया डिस्टर्ब होता है, मतलब अपने पोजीशन से वो मूव करता है, आगे की ओर मूव किया, फिर वो पीछे की ओर आ जाता है, फिर अपने ही जगह पे आ जाता है, थोड़ा वाइब्रेशन करने के बाद अपने ही जगह पे आ जाता है। अब देखो क्या करेगा, एक पार्टिकल तो कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, जब हैमर से हम बीट करते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, पार्टिकल एटम बहुत छोटा होता है, आप समझ सकते हो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मिलियंस हजारों करोड़ों मिलियंस एटम्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आया, वो सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट किया। अब वाइब्रेट करने से होगा क्या कि एक वेव बनने वाला है, और याद करना वेव का मतलब डिस्टर्बेंस आगे की ओर बढ़ेगा, एक पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ अपने बगल वाले को डिस्टर्ब करेगा, वो अपने बगल वाले को डिस्टर्ब करेगा, और इस तरह से डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा हम अपने फिंगर से समझा रहे हैं, मान लो एक पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स कॉन्टेक्ट में रहते हैं हैमर के, एक पार्टिकल की बात करते हैं, एक पार्टिकल यदि हम डिस्टर्ब किए या हुआ तो डिस्टर्ब होने के कारण ये आगे गया, अपने एडजेसेंट पार्टिकल को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, इसको धक्का देगा, और फिर ये पीछे की ओर आ जाएगा, ठीक है। एक पार्टिकल में ऐसा हो रहा है, इसके सामने और भी बहुत ऐसे पार्टिकल है, वो पार्टिकल भी क्या कर रहा है, आगे की ओर गया, एडजेसेंट पार्टिकल को धक्का दिया, फिर पीछे आ गया, ठीक है। जब ये धक्का दे के पीछे आएगा तो ये एरिया बढ़ेगा, और पीछे ये आ रहा है और ये बगल वाले को धक्का दे चुका है, तो ये आगे की ओर बढ़ेगा, मतलब एरिया और बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो जब पार्टिकल्स सामने की ओर जा रहा है, एरिया कम हो रहा है, एरिया कम होगा मतलब क्या है, पार्टिकल्स बहुत सामने सामने हो जाएगा, और पार्टिकल्स जब बहुत सामने सामने होता है तो एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है, हाई प्रेशर, पार्टिकल्स जब बहुत सामने सामने होता है तो एक दूसरे को धक्का मुक्का प्रेस करने का टेंडेंसी ज्यादा आता है, कंप्रेशन का रीजन बना। जैसे ही इसको धक्का दिया ये आगे बढ़ा और ये पीछे आया, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहा है मतलब क्या है, एरिया बढ़ रहा है, तो भाई ज्यादा एरिया है पार्टिकल्स उतना ही है, तो पार्टिकल्स के बीच स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो एक लो प्रेशर रीजन बनता है, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एक लो प्रेशर का रीजन बनता है, उसको इस तरह से दिखाया जाता है, ध्यान देना, मान लो कि एक हाई प्रेशर रीजन बना, एक लो प्रेशर रीजन बना,
हाई प्रेशर रीजन, REGION रीजन, हाई प्रेशर रीजन को कंप्रेशन बोलते हैं और लो प्रेशर रीजन को बोलते हैं रेयर फैक्शन। ठीक है, देखो कंप्रेशन रेयर फैक्शन बना, आगे एक चेन कंप्रेशन रेयर फैक्शन का कंटिन्यू होता है। चलो फिगर बना देते हैं फिर आगे हम बताते हैं कैसे। कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशर रेयर फैक्शन, कंप्रेशर रेयर फैक्शन होता एक चेन क्यों बनता है देखोगे। ध्यान देना, जैसे ही एक पार्टिकल्स, हम समझा रहे हैं एक पार्टिकल से, बाकी होते बहुत सारे पार्टिकल से आप समझ सकते हो, इसलिए बहुत सारा पार्टिकल दिखाया गया है। एक पार्टिकल यदि आगे की ओर बढ़ा, ठीक है, तो जाके जब इससे ये टकराएगा, जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो पार्टिकल सामने सामने आ रहा है। उस केस में पार्टिकल जब सामने सामने आएगा तो हाई प्रेशर रीजन बनेगा कंप्रेशन, जब ये धक्का दे दिया तब ये पीछे की ओर आ रहा है, एरिया बढ़ेगा, लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा, रेयर फैक्शन। अब क्या है, कंप्रेशन बना, उसके बाद यहीं पे रेयर फैक्शन जब बन रहा है तो कंप्रेशन आगे बन रहा है, क्योंकि जब ये पीछे की ओर आ रहा है तो ये अपने बगल वाले पार्टिकल को, एडजेसेंट पार्टिकल को धक्का दे चुका है, ये आगे की ओर बढ़ेगा, तब तक यहाँ कंप्रेशन बन रहा है। फिर जब ये पीछे आएगा, रेयर फैक्शन बनेगा, तब तक ये धक्का दे चुका है, मतलब ये आगे की ओर बढ़ेगा, रेयर फैक्शन बन रहा है तो आगे कंप्रेशन, मतलब इस तरह से जब धक्का दे चुका है तो क्या है, रेयर फैक्शन बना, उससे पहले वो पुश करके वो कंप्रेशन बना चुका, मतलब एक चेन बन जाता है। ये जो डिस्टरबेंस है, अपने बगल वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करना, इस डिस्टरबेंस के कारण क्या होता है, एक कंप्रेशन और रेयर फैक्शन का एक चेन बन जाता है मीडियम। कौन से मीडियम में, यदि स्कूल बेल है तो यही सॉलिड मीडियम है, कंप्रेशन रेयर फैक्शन का चेन बनता है वही वाइब्रेशन के कारण। अब ये चेन जो है आता है कहां पे, आता है एयर पे, एयर में भी पार्टिकल्स है, एयर के भी पार्टिकल्स को क्या करता है, पुश करता है, कंप्रेशन का पार्ट जब आता है तो भाई पार्टिकल्स को आगे की ओर पुश करता है, आगे की ओर बढ़ा, ठीक है, और कंप्रेशन का रीजन बनेगा। जब ये फिर पीछे की ओर आता है, एरिया इंक्रीज करता है, रेयर फैक्शन का रीजन, तो इसी तरह का एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है कहां पे, एयर में, और यही डिस्टर्बेंस या वेव या साउंड क्या होता है, प्रोपोगेट करता हुआ साउंड एयर के थ्रू प्रोपोगेट करता हुआ कहां तक पहुंचता है, हमारे कान तक, ईयर ड्रम तक। ईयर ड्रम मतलब एक मेम्ब्रेन है, एक पर्दा जैसा, जैसे कोई तबला में होता है पर्दा, तो वो जब कंप्रेशन का पार्ट पड़ता है तो वो ईयर ड्रम को क्या करता है, आगे की ओर पुश करता है, रेयर फैक्शन का पार्ट पड़ता है तो वो पीछे की ओर पुश करता है। तो इस तरह से ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट करता है,
और फिर ये वाइब्रेशन कहाँ जाता है? अंदर इनर पार्ट पे, इनर पार्ट ऑफ द ईयर। फिर वहां से इंफॉर्मेशन, इनर हमारे ईयर का, इनर ईयर तीन पार्ट में डिवाइड है, आउटर ईयर जो बाहर दिख रहा है ईयर ड्रम, आउटर ईयर, मिडिल ईयर में क्या है, तीन बोन्स है। इनर ईयर में जब पहुंचता है तो इनर ईयर में क्या होता है, साउंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में चेंज होता है, और वही इलेक्ट्रिकल इंपल्स को रिसीव करता है कौन, न्यूरॉन, नर्व सेल्स, ठीक है। और वही नर्व सेल्स क्या करता है, इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है कहां तक, ब्रेन तक, और हम लोग ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करता है, एक्सप्लेन करता है, इंटरप्रेट करता है, उसके बारे में जान पाते हैं कि क्या साउंड आया, कौन सा साउंड आया, ठीक है। तो कैसे सुनते हैं, ब्रेन तक कैसे गया, वो बात की बात है। हम बात कर रहे थे हाउ डज साउंड प्रोपगेट। तो साउंड प्रोपगेट कैसे करता है, एक चेन बनाता है कंप्रेसर और रेयरफैक्शन का मीडियम में। सॉलिड मीडियम में यदि साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो सॉलिड मीडियम में ये कंप्रेसर रेयरफैक्शन का चेन बनता है, और यही कंप्रेसर रेयरफैक्शन का चेन पहुंचता है एयर में, एयर में भी कंप्रेसर रेयरफैक्शन का चेन बनता है और पहुंचता है हमारे कहां तक, कान तक, ईयर तक। क्या समझ गए, हाउ डज साउंड प्रोपगेट? यस ठीक है, लाइन बाय लाइन एक बार जरूर पढ़ना बुक को, ठीक है, बहुत अच्छे से जब पढ़ोगे तो सारा हमारा जितना भी समझाया हुआ पार्ट है आपको ध्यान में आएगा, ठीक है, आप अच्छे से लिख भी पाओगे, ठीक है। ध्यान देना, कंप्रेसर रेयरफैक्शन ये जो आपको दिख रहा है, इसी को जब वेव के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, साउंड वेव, ये कंप्रेसर रेयरफैक्शन जो मीडियम में बनता है इसको साउंड वेव में जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे दिखा दिया जाता है, कुछ ऐसा। कंप्रेशन के पार्ट को क्रेस्ट के रूप में दिखाया जाता है, रेयरफैक्शन के पार्ट को ट्रफ के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। तो डायग्राम भी दिया जा सकता है, खास तौर पर डायग्राम देगा तो कंप्रेसर रेयरफैक्शन का बनाने के लिए देगा, ठीक है, तो बना लेना ऐसा, डॉट डॉट दे सकते हो या लाइन में भी दे सकते हो, लाइन कंप्रेशन में लाइंस को काफी क्लोज दिखाना, रेयरफैक्शन में लाइंस को काफी दूर दूर दिखाना, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम से भी आप दिखा सकते हो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का चेंज, ओके, आगे बढ़ जाए। यस सर, ठीक है, ये दो क्वेश्चन रहेगा आप लोग का होमवर्क, हम बाद में लिखा देंगे, यदि दिक्कत होगा लिखने में तो नेक्स्ट क्लास में नोट्स भी हम करवा देंगे, लिखवा भी देंगे। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ये है आपके बुक में, टॉपिक भी है, व्हाट आर द नेसेसरी प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। अभी हम लोग बात किए कि साउंड प्रोपगेट करता है सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस मीडियम, तो जिस भी मीडियम में ये प्रोपगेट करे साउंड, तो मीडियम के पार्टिकल्स का कुछ नेसेसरी प्रॉपर्टी है, क्या क्या है, तीन प्रॉपर्टी है क्या, चलो हम पहले कीवर्ड समझा देते हैं, कीवर्ड बोल देते हैं फिर समझाएंगे। फर्स्ट, The particles should have the property of inertia. दूसरा, the particles should have the property of elasticity. There should be no friction between the particles. ये तीन inertia का property, हम चाहेंगे कि आप इनर्सिया को डिफाइन करोगे, कोई डिफाइन कीजिए व्हाट इज इनर्सिया,
the motion, it will remain in motion until unless the force is applied. बिल्कुल सही। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने का टेंडेंसी रखता है, मोशन में आ गया ठीक है तो मोशन में ही रहने का टेंडेंसी रखता है, ये इसी को बोलते हैं इनर्सिया। अब देखो जब पार्टिकल हुआ हैमर से और बढ़ रहा है मतलब मोशन में आ गया, तो ये मोशन में ही रहने का टेंडेंसी होना चाहिए, इनर्शिया मेंटेन होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा अपने बगल वाले पार्टिकल से जाकर टकराएगा, टकरा के दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। और यदि ऐसा है कि ये मोशन में आया और बस वहां तक पहुंचने से पहले ही रुक गया या फिर इसको डिस्टर्ब किया। हाँ बोलो सर, वॉइस थोड़ा क्रैक कर रहा है सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है सर, रिपीट कर देते हैं। इनर्शिया पार्टिकल्स में इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी क्यों होना चाहिए देखोगे, यदि पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब होने के बाद ये आगे की ओर जाता है और अपने एडजेसेंट पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है, यदि ऐसा है कि भाई मोशन में आने के बाद मोशन में ही रहे ये प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं कर रहा है तो क्या होगा, मोशन में आया तुरंत रुक गया तो बगल वाले को डिस्टर्ब नहीं करेगा, जब बगल वाले को डिस्टर्ब करेगा ही नहीं तो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि भाई मोशन में आ गया तो मोशन में ही रहना चाहिए, ये टेंडेंसी होना चाहिए और होता भी है। ठीक है, जब पार्टिकल है मास है तो ये नेचर तो होना ही चाहिए और पार्टिकल्स में इनर्शिया का प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का चेन मेंटेन होता है। ठीक है, इस पॉइंट को समझ गए कि इनर्शिया का प्रॉपर्टी होता है पार्टिकल्स के लिए चेन बनता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का। ओके यस सर, ठीक है ना सर, आगे बढ़ते हैं देखोगे। हाँ हाँ बोलो सर, थोड़ा सा ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए ना सर, ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए ना। देखो सर अभी डिस्कनेक्ट, देखो डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, हम ये पॉइंट पहला पॉइंट ये समझाया कि कोई भी मीडियम में सॉलिड लिक्विड या गैस मीडियम में साउंड तभी प्रोपेगेट करेगा जब पार्टिकल में इनर्शिया का प्रॉपर्टी हो, क्यों, पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ मोशन में आ गया तो मोशन में आया तो मोशन में ही बना रहना चाहिए, तभी वो क्या होगा डिस्टर्ब हुआ तो वो धीरे धीरे आके इसे बगल वाले को धक्का देगा और फिर ये पीछे आएगा। ठीक है, और धक्का देगा इसको, ये डिस्टर्ब हुआ तो ये अपने बगल वाले को धक्का देगा, मतलब मोशन में आ जाने के बाद मोशन में ही बने रहने का टेंडेंसी होता है इनर्शिया, और इसी के कारण क्या करता है अपने बगल वाले को जाके क्या करता है धक्का देता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इनर्शिया का प्रॉपर्टी होगा तभी ये अपने एडजेसेंट पार्टिकल को पुश कर पाएगा। ओके समझ गए, बोलो साहिल, बोलो जी समझा कि नहीं, फिर डिस्कनेक्ट हो गया क्या? समझ गए सर, समझा फर्स्ट पॉइंट, नेट बहुत खराब है। चलो ठीक है, सेकंड पॉइंट इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी ये टर्म आगे आप पढ़ोगे 11 में, लेकिन इलास्टिसिटी से प्रॉपर्टी को तो हम लोग ऐसे भी समझते हैं, बोलते हैं रबर बैंड इलास्टिक होता है, जैसे ही खींचते हैं वो अपना प्रीवियस शेप को गेन कर लेता है, प्रीवियस शेप या प्रीवियस पोजीशन को गेन कर लेता है, तो हम बोलते हैं इलास्टिसिटी मेंटेन कर रहा है। बिल्कुल यही होना चाहिए पार्टिकल्स में भी, इलास्टिसिटी यदि नहीं होगा तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन का चेन भी नहीं बनेगा। क्यों, देखोगे मान लो ये पार्टिकल जाके डिस्टर्ब किया
और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ये पीछे आके फिर अपने मेन पोजीशन पे आ गया, ये रहता है तभी चेन बनता है। यदि ये रिटर्न नहीं आता तो क्या होता है, ये जाके धक्का दिया यहीं रह गया, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा फिर यहां तक आएगा, बेचारा यहाँ पीछे तक आता फिर यहां पे आता, लेकिन पीछे जाने नहीं दे रहा है, जिस कारण से क्या है कि भाई ये डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, बगल वाले को हो सकता है कि डिस्टर्ब किया, ये अपने बगल वाले को डिस्टर्ब किया, तो ये तीन चार पार्टिकल तक जाते जाते क्या होगा, रुक जाएगा, डिस्टर्बेंस बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाएगा। और इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी जब है, ये धक्का दिया ये आगे बढ़ा तब तक ये पीछे, इसको गैप मिल जाता है, फिर ये इसको धक्का देने के बाद गैप मिल चुका है इसलिए ये पीछे आ पाता है, फिर ये वाइब्रेट करने का इसको स्पेस मिल जाता है, धक्का दिया और ये पीछे आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये अपना प्रीवियस पोजीशन में जा चुका है, तो इसको वाइब्रेट करने का टाइम मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, फिर इसी तरह से इसको भी वाइब्रेट करने का स्पेस मिल जाता है। तो भाई जो पार्टिकल आगे बढ़ा, बगल वाले को डिस्टर्ब किया, फिर वह पीछे आने के बाद फिर अपने मेन पोजीशन या जहां से चला था वहीं पे आ जाना चाहिए, अपना प्रीवियस पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए, होगा तभी चेन क्या होगा, कंप्रेशन एयर फ्रिक्शन का चेन काफी आगे पाएगा, नहीं तो अदरवाइज आप समझ सकते हो कि ब्लॉक कर जाएगा, ये फंसा रह जाएगा यहाँ पे, आगे बढ़ेगा ये, समझे। इसीलिए सेकंड पॉइंट में क्या बोले, इसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट समझ गए? यस सर। ठीक है, तो फंक्शन अपरत नहीं होता है, बस हम समझा रहे हैं, पॉइंट्स आप याद रखना, कीवर्ड बोले। थर्ड पॉइंट है, पार्टिकल्स के बीच फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो, फ्रिक्शन तो होगा ही, जब एक पार्टिकल दूसरे को धक्का दे रहा है के पीछे आ रहा है, तो धक्का दे रहा है तो भाई फ्रिक्शन तो होगा ही, वहां पे बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तो नहीं का मतलब है यहाँ पे नेग्लिजिबल, बहुत कम होना चाहिए, नेग्लिजिबल, जीरो, लगभग जीरो होना चाहिए। क्यों, अब देखो, यदि धक्का दे रहा है पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को, फिर पीछे आया, ये धक्का दिया, बहुत ज्यादा यदि फ्रिक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब जो पार्टिकल्स का डिस्टरबेंस के लिए जो एनर्जी रेस्पॉन्सिबल है, हीट में वो एनर्जी कन्वर्ट होगा, तो एनर्जी का वेस्टेज होगा, या एनर्जी हीट के फॉर्म में रेडिएट हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, तो क्या होगा, साउंड बहुत आगे तक प्रोपगेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि पार्टिकल्स के बीच फ्रिक्शन एक्ट नहीं करना चाहिए, देखोगे एक्ट करेगा ही, इसलिए बहुत आगे तक जाते जाते साउंड का इंटेंसिटी या साउंड का लाउडनेस कम हो जाता है, ये सही है, बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही समझोगे आप लोग, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होनी चाहिए, समझ गए, क्यों फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए सो? यस सर। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपकी के बुक के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं, जो जो क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कर लेना, आपके एक टॉपिक दिया हुआ है या क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फॉर प्रोपेगेशन साउंड, रिक्वायर्ड का मतलब है नेसेसरी। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं, बेल जार एक्सपेरिमेंट भी साथ ही साथ बता देते हैं। अभी हम बात किए कि साउंड को प्रोपगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए, पार्टिकल मीडियम चाहिए, वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं कर सकता, कैसे प्रूफ करोगे? ठीक है, हो सकता है एट क्लास में साउंड पढ़ेगा तो ये क्वेश्चन भी दे देता था एट क्लास में कि भाई एक एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करो, तो अभी नहीं देगा एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने, बस हम लोग समझ लेते हैं।
बेल जार एक्सपेरिमेंट के नाम से बहुत ये क्लियर फेमस नहीं है। आ रहा है। बोर्ड क्लियर नहीं है? अच्छा, हम फिगर भी बहुत बड़ा बनाने वाले हैं, ठीक है? इसमें फिगर से ज्यादा वो लेक्चर का जरूरत पड़ेगा। तब तक बोर्ड क्लियर हो जाएगा तो देखते हैं, अदरवाइज का फिर से ज्वाइन करेंगे। देखो क्या किया जाता है, मान लो कि एक बड़ा सा जार ले लिए, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल रख देते हैं, वायर से कनेक्शन किए हैं, बाहर स्विच है, ठीक है? जैसे ही स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक बेल बजता है, बाहर तक आवाज आएगा। जार को क्या करते हैं, एक वैक्यूम पंप के भी साथ कनेक्ट कर देते हैं। वैक्यूम पंप कहने का मतलब क्या, अंदर के एयर को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, सक कर देगा, अंदर के एयर को सक करता हुआ बाहर निकाल देगा। जार मजबूत है, आप समझ सकते हो, जार मजबूत नहीं होगा तो एटमोस्फेरिक प्रेशर के कारण वो फट जाएगा। तो जार जो लिया गया है एक मजबूत, इसका जो वॉल्स है, दीवार है, वो मजबूत है। देखो तो मान लो कि स्विच है बाहर, ऑन किए, बाहर तक सुनाई पड़ रहा है, हम मान लो कि बाहर है, स्विच ऑन किए हैं, जैसे ही दबाए स्विच ऑन हुआ, साउंड बाहर तक आ रहा है। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे वैक्यूम पंप से अंदर के एयर को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और स्विच ऑन करते जाते हैं टाइम टाइम पे। आप पाओगे जैसे जैसे एयर कम होता जाएगा, साउंड का लाउडनेस भी कम होता जाएगा, धीमा होता जाएगा साउंड, एक समय ऐसा आएगा कि साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा। कब, जब यहां अंदर का हवा को पूरा का पूरा हम बाहर निकाल दिए। ऐसा क्यों, यहां पे बेल से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ, वाइब्रेशन या साउंड जो प्रोड्यूस हुआ, एयर यहां पे था जार में, तो साउंड वाइब्रेशन जो है वो एयर में आता था, एयर के थ्रू दीवार में गया जार का, और वो फिर बाहर के एयर तक वो कॉन्टेक्ट आया, और वही साउंड प्रोपगेट करता हुआ हमारे कान तक पहुंचता है। लेकिन जब सारा का सारा एयर निकाल दिए, यहां जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या होता है कि यहां तक दीवार तक नहीं पहुंच पा रहा है, अंदर से भी है तो दीवार तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो वाइब्रेशन कंप्रेशन रेयरफैक्शन तभी बनाएगा जब पार्टिकल तो आसपास कहीं तक नहीं पहुंच रहा है, इस कारण से बाहर हम लोग को सुनाई नहीं पड़ता है। आप ये थोड़ा सा सोच सकते हो कि भाई एक जो वायर है, वायर के कारण वाइब्रेशन तो बाहर थोड़ा आ सकता है, तो आएगा, बहुत कम होता है, बहुत कम लाउडनेस का साउंड हम लोग सुन भी नहीं पाते, तो बहुत कम होता है, तो भी इस कारण से नहीं सुन पाते, ठीक है? तो यहाँ जो वाइब्रेशन थोड़ा सा बाहर निकलेगा भी, तो वो इग्नोर करो, वो नेग्लिजिबल होता है। तो इसीलिए क्या है, जब पूरा का पूरा एयर यहां से निकाल दिए, वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो साउंड क्या होता है, बाहर तक नहीं जा पाता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई पार्टिकल चाहिए, तो अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं है, इसलिए साउंड प्रोपगेट नहीं करता है, ठीक है? समझ गए ये एक्सपेरिमेंट? यस ठीक है, क्या बोर्ड दिख रहा है अभी अच्छे से? बोर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये सर दिख रहा है पर सर क्लियर नहीं है उतना। चलो ठीक है, और एक टॉपिक हम बताते हैं, उसमें बोर्ड का जरूरत नहीं होगा।
ठीक है, देखिए आगे। अच्छा ये तो एक एग्जांपल से भी हम समझा है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल ले सकते हैं। इस चीज को कैसे आप शो करोगे कोई एक्सपेरिमेंट से कोई एग्जांपल से कि भाई साउंड वेव हैज वाइब्रेशन, साउंड है मतलब उसमें वाइब्रेशन है, कैसे शो करोगे? हम बोल रहे हैं, साउंड जा रहा है या साउंड है, साउंड प्रोड्यूस हुआ, इस साउंड में जो है वो वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, कैसे शो करोगे? एग्जांपल स्टिक। हाँ सर, एग्जांपल स्टिक है। हाँ हाँ बोलो, कौन सा एग्जांपल? फिर जैसे कि अगर हम लोग कोई ड्रम को स्टिक से बीट करें या फिर तबला ही जो लोग सर प्ले करते हैं सर, तो जब तक वो लोग जब उस पर टैप करते हैं जब तक उसका मेम्ब्रेन जो ऊपर का स्किन होता है वाइब्रेट होता है तब तक साउंड निकलता है, और जब उसको वाइब्रेट करना बंद कर दिया जाता है सर तो फिर साउंड नहीं निकलता उससे। नहीं तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि साउंड प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन होना चाहिए। हम ये बोल रहे हैं कि साउंड प्रोड्यूस हो चुका वाइब्रेशन के ही कारण, और वो साउंड जो प्रोपगेट कर रहा है वो खुद में एक वाइब्रेशन रख रहा है, पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराने का कैपेसिटी रख रहा है, साउंड वेव वाइब्रेट कराता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल सर, एक एग्जांपल आप ये फील किए होंगे सर, अगर हम लोग बीट्स रखते उसी सर, अगर उसी ड्रम पे हम लोग बीट्स रख दे तो जब हम लोग ड्रम को स्टिक से बजाएंगे तो वो बीट्स भी वाइब्रेट करने लगेगा और ऊपर नीचे होने लगेगा। हाँ, बिल्कुल ये ले सकते हो, उससे भी सिंपल हम देते हैं। ये आप फील किए होंगे कभी कभी क्या बोलते हैं डीजे वगैरह जब चलता है या काफी लाउड लाउड साउंड प्रोड्यूस करने वाला स्पीकर, बड़ा बड़ा स्पीकर सब जब बज रहा होता है, आप सामने खड़े होते हैं उसे, कैसा फील करते हो? थोड़ा सा वाइब्रेशन लगता है। हाँ बहुत ज्यादा जब साउंड रहता है तो आपको लगेगा कि जैसे जमीन हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा, लगेगा कि जैसे जमीन हिल रहा है, ऐसा लगता है ना? यस सर, ऐसा महसूस किया हो? हाँ, मतलब ये सोचो कि वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड जो प्रोपगेट कर रहा है चारों डायरेक्शन में, जमीन तक ऐसा लगता है कि भाई वाइब्रेट करा रहा है, ठीक है। एक ये हुआ, बाकी बुक में एक ऐसा एग्जांपल दिया होता है, क्या कर सकते हो, एक होलो सिलेंडर लिए, ठीक है, ओपन एट बोथ द एंड्स, ऊपर में क्या किए एक बेलून सा एक मेम्ब्रेन आप स्टेज मेम्ब्रेन लगा दिए ऐसा, यहाँ पे एक स्टेज मेम्ब्रेन बेलून बांध दिए, इधर तो खाली है, इसके ऊपर क्या किया छोटा छोटा थर्मोकोल का टुकड़ा रख दिए, और इसको क्या करते हो कहीं पे रख दिया या हाथ से ही होल्ड करके आप जोर से चिल्लाओ, अब चिल्लाओगे तो वहां पे जो थर्मोकोल का टुकड़ा है वो वाइब्रेट करेगा, मतलब मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर रहा है, और मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने के कारण क्या है, थर्मोकोल का टुकड़ा क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। मतलब सोचो आप चिल्ला रहे हो, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, उसी साउंड के कारण क्या हो रहा है, ये जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और वाइब्रेट करने से ही देख रहे हो कि थर्मोकोल का टुकड़ा भी क्या हो रहा है, जंप कर रहा है, ठीक है। तो साउंड खुद में क्या रखता है, एक वाइब्रेशन रखता है, ठीक है, इसे हम लोग शो कर सकते हैं, ओके, ठीक है ना? यस सर, ठीक है। आगे देखिए, स्पीड ऑफ साउंड पे आते हैं,
स्पीड ऑफ साउंड आज हम गैस के बारे में बता रहे हैं, बाकी सॉलिड और लिक्विड के बारे में नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड एयर में या गैस में कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, तो ये चार चीजों पे डिपेंड करता है, चार फैक्टर्स पे। ये भी आपका होमवर्क है, इसलिए हम होमवर्क दे रहे हैं, कम लिखा रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है और आपके बुक में बहुत अच्छे से नोट दिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बोलना कि सर ये नहीं समझ पाए, अभी जो हम फिर से टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं, द फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स, ये आपके बुक में चार पॉइंट के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, आप हेल्प लेके लिखोगे, स्टिल प्रॉब्लम होगा लिखने में, नेक्स्ट क्लास में बोलना जरूर, हम लिखवाएंगे। तो कौन कौन सा फैक्टर है, पहला है टेम्परेचर, देखो पहला फैक्टर है टेम्परेचर। यदि स्पीड स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 330 मीटर पर सेकेंड, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो इसमें एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, देखो एक फॉर्मूला जो समझा रहा है उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स भी बता रहा है, समझ लो। सर नहीं समझ आ रहा सर, बहुत ब्लर है सर। बहुत ब्लर दिख रहा है, अच्छा छोड़ो, ये फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे और न्यूमेरिकल्स वगैरह भी है, ये हम बोल देते हैं एक बार। फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ, अच्छा बुक आप लोग निकालो ना, बुक निकालो, बुक निकालो, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आपको दिख जाएगा, निकालिए सबको, निकालिए। यस सर। क्या क्या पॉइंट्स दिए है बताइए, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, देखो तो डेंसिटी बाद में सबसे लास्ट में रखे हैं, पहला टर्म हम उठा रहे हैं टेम्परेचर। वहां पे देखो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वी टी इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट मतलब वी जीरो जैसा लिखा है, वी नॉट प्लस 0.61 टी लिखा है ना। यस सर। हाँ, इस फॉर्मूला का मीनिंग समझो, नॉट का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो वैल्यू है 330 मीटर पर सेकेंड। यदि टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगा, कितना 0.61। 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो भाई 0.61 का डबल बढ़ जाएगा, मतलब 330 प्लस 2 into 0.61,
इसी तरह से एक एग्जांपल देके समझाया है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे समझाया है या 25, देखो तो इज इट 20 और 25। ओके, तो आप देखो वीटी इट मींस स्पीड ऑफ साउंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टी के जगह पे 25 पुट किए, वी नॉट के जगह पे 330 प्लस 0.61 इनटू टी का मतलब क्या 25, तो जैसे वैल्यू लाते हो v नॉट मतलब 330 प्लस 0.61 इनटू 25 मल्टीप्लाई होके कुछ वैल्यू दे रहा है, कितना दे रहा है 345.25 मीटर पर सेकंड। तो मतलब 15.25 दिया, 0.61 इनटू 25 मल्टीप्लाई किए तो 15.25 दिया सर 345। हाँ 345 बाद में हुआ, ये 330 था 0.61 इंटू 25 के कारण, देखो 330 सिर्फ किसके लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण क्या है वो कितना इंक्रीज किया 15.25 स्पीड बढ़ गया, तो 330 और 15.25 तो फाइनल स्पीड क्या हो गया, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो गया 345.25। समझे आप? यस सर समझ गए सर। अच्छा यदि ऐसा रहता कि भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड में बताओ स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा तो क्या करते बताइए, 330 प्लस 0.61 इनटू 20। सही है, अपने आप आता वैल्यू, ठीक है जो भी वैल्यू आता तो हम बोलेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू ये है, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ओके ठीक है, दूसरा ह्यूमिडिटी। अब देखो जब एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा मतलब वाटर वेपर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वह लिक्विड का टेंडेंसी गेन कर रहे हैं, तो आप खुद देखो कि गैस में स्पीड ऑफ साउंड कम है लिक्विड में ज्यादा होता है, तो ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होगा तो क्या होगा स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, है ना। हाँ एक मिनट, एक दूसरा लाइट जो है डिस्टर्ब है, एक मिनट। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा तो भी क्या होगा स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा, क्लियर है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओके यस सर ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी का डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डेंसिटी से बढ़ेगा, मान लो कि हम बात कर रहे हैं कि दो एयर रूम में, मान लो कि एयर है, एयर एक मिक्सचर है, बहुत सारे गैसेस, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारे गैसेस एयर, और कोई एक रूम में हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का डेंसिटी ज्यादा होगा कि एयर का, ये बताओ एयर का, सर एयर का होगा। ठीक है, यदि कंफ्यूजन होगा तो आप ये सोच लो कि एक रूम में ऑक्सीजन है और एक रूम में हाइड्रोजन है, आपको पता है कि हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है, मास नंबर वन होता है, तो जब डेंसिटी उसका कम है तो ये पाया गया कि जब डेंसिटी कम होता है एयर का तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड भी क्या है कम है, डेंसिटी जब बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, डेंसिटी बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी तक तीन फैक्टर आप पढ़े, टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तीनों। विंड स्पीड,
ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनवर्स प्रोपोर्शन भी हो सकता है. क्यों समझो, एक एग्जांपल से समझते हैं. घर में ऐसा फील किए होंगे, मान लो कभी ऐसा है कि एक टेबल फैन आपके सामने चल रहा है, फेस है आपकी ओर, मतलब आप हवा ले रहे हो, और उसके पीछे आपकी मम्मी, एज्यूम करते हैं आपकी मम्मी बैठी हुई, आप धीरे से कुछ बोलते हो, ठीक है, हो सकता है कि मम्मी को सुनाई ना पड़े. आप जब बोल रहे हो, ठीक है, तो आप बोल रहे हो उधर विंड स्पीड है टुवर्ड्स यू, आप बोल रहे हो अवे फ्रॉम, मतलब मम्मी को पुकार रहे हो, मतलब अवे फ्रॉम विंड स्पीड. होता यह है जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, बढ़ जाता है. आप उसी डायरेक्शन में यदि आप घूम के बोलोगे तो सामने वाले को जल्दी सुनाई पड़ेगा, अच्छे से सुनाई पड़ेगा. लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फील किए होंगे कि भाई अच्छे से सुनाई नहीं पड़ रहा है. आप सामने फैन चला रहे हो और यदि बोल रहे हो तो पीछे यदि कोई है तो उसको अच्छे से सुनाई नहीं पड़ेगा. ऐसा फील किया हो क्या कभी, ऐसा हुआ है ऐसे एक्सीडेंटली कि हाँ ऐसा होता है, देख देखे अंदाजा किन्हीं के साथ? चलो यदि नहीं भी है तो अब करके देखना, ठीक है, फैन टेबल फैन स्टार्ट करके ऐसा फील करोगे. तो ये है विंड जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज कर जाता है. लेकिन विंड यदि फ्लो कर रहा है इधर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है. तो यहां पे दोनों बोलना होगा, विंड के डायरेक्शन में स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करता है और विंड के अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज करता है. ओके, क्या समझ गए चारों पॉइंट? यस सर. तो आज जितना भी क्वेश्चन हम समझाए, आप एक्सरसाइज में ये सारा क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को, ये लिखोगे, यही होमवर्क है, ठीक है. बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है, तो ये लिखना, जरूर लिखना, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप. थैंक यू सर. वेलकम.